हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवकुश फिटनेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके मन में कुछ फियर्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग को लेके, तो उनके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके मन में कुछ डाउट हैं, तो उन सब डाउट को आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहला डाउट है जो लोगों के माइंड में आता है कि भाई उनकी हाइट रुक जाएगी। ऐसा कई स्टडीज़ कोई स्टडी ने ऐसा कंफर्म बोला नहीं है कि मतलब हाइट रुकती ही है, बट ये है कि आप वेट लिफ्टिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत लाइट वेट से स्टार्ट करें, हाई रेपिटेशन रेंज में करें, बहुत ज़्यादा हैवी मत जाएं। या सबसे बेस्ट रहेगा कि आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, बॉडी वेट में रनिंग करें, कुछ भी करें, पार्क में करें, कहीं भी या जिम में भी करें, तो मतलब बॉडी वेट वर्कआउट ही करें जब तक आप 18 प्लस ना हो जाएं, जब तक या आपकी फुल हाइट ना आ जाए। तो ऐसा कोई वो प्रूवन नहीं है कि हाइट रुकती है, बट ये है कि आप अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग, तो आप जिम बिल्कुल भी कम एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स, लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बल्क हो जाएगी अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगे, अगर नॉर्मल अगर वो कार्डियो वगैरह करते हैं तो। अगर उनसे आप कहोगे कि आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उनके दिमाग में पहला थॉट आता है एक बॉडी बिल्डर का जिसके बड़े बाइसेप्स हों, बड़े शोल्डर हों, सब एकदम बड़ी बैक हो, तो पूरा प्रो मस्कुलर। बट ऐसा नहीं होता, उतना मसल साइज़ गेन करना गर्दन के लिए काफ़ी टाइम लगता है और इतना ही जल्दी वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, आप उतने ज़्यादा बल्कि नहीं लगेंगे, आप नॉर्मल फिट हो जाएंगे, पहले से आप अच्छे दिखने लगेंगे, एस्थेटिक लुक आएगा, बॉडी में मसल्स आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, सबसे बेस्ट ये है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बल्कि हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। यस, कोई नया बंदा है जिम में पहली बार रखता है तो इंटिमिडेट हो जाता है वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के लोगों से, भाई ये देखता है वहाँ हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं लोग, अरे इतना वेट उठा रहा है कौन, इतने ज़्यादा रेप्स मार रहा है, तो आपको थोड़ा डर लगता है। बट ऐसा नहीं है, जो प्रो है आज वो कल कहीं ना कहीं वो भी बिगिनर था, एक प्लेट से उसने भी स्टार्ट किया था, एक नॉर्मल 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो डंबल से उसने भी स्टार्ट किया था। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जाइए बिल्कुल। अगर आप अकेले, आपको थोड़ा वो रहता है तो आप ट्रेनिंग पार्टनर सबसे बेस्ट होता है, आप ट्रेनिंग पार्टनर रख लीजिए और उनके साथ आपका मतलब वर्कआउट भी अच्छा हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी सपोर्ट अपोर्ट के लिए। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए कि, और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस मत, बिंदास रहिए और बिल्कुल अच्छे से जिम करिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लोगों को लगता है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे अगर वो जिम जाते हैं। तो यस, टायरिंग है ऑफकोर्स, आप हैवी ट्रेनिंग करोगे तो आप ऑफकोर्स मसल आपकी सोर रहेंगी, बॉडी आपको रेस्ट आपकी मांगेगी ही, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर 24 घंटे में आप 1 घंटा वर्कआउट करेंगे तो आपको पूरा नेक्स्ट 23 आवर्स रेस्ट ही करना है, नहीं, आप पूरा हर चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना आप थक जाएंगे। बट इनफैक्ट ये होता है कि आप एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, आपकी बॉडी खुश, मतलब दिमाग आपका मेंटली स्ट्रेस कम होता है, आप हैप्पी फील करते हो, आपका मूड अच्छा होता है जिम से। आप कभी भी देखना, जिम जाओगे अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हो या कुछ हो और जिम वर्कआउट अगर अच्छा हुआ है आपका, तो आप लौटोगे तो बहुत ही मतलब मूड एक अच्छा सा चेंज हो जाएगा, आप खुद ही अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लगता है लोगों को कि जिम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, बट ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल अपने बजट के हिसाब से कोई भी आप सस्ता जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, मैं जानता हूँ आप जब स्टूडेंट होते हैं और आपके पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं होती तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करना मुश्किल होता है, बट आप कहीं भी स्टार्ट करिए, और नहीं है तो आप पार्क वगैरह में जाइए, बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए और आपकी बॉडी वैसे भी डेवलप हो जाएगी। जब आप क्या कहते हैं कमाने लगे या आप जॉब में आ जाए तब आप प्रॉपर वैसे जा सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जिम जाइए और अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए। यस, डाइट और आपका जिम मेंबरशिप हो सकती हो महंगी हो, बट स्टूडेंट्स आप अगर आप 2-3 लोग ग्रुप में जाते हैं तो थोड़ा कहीं कहीं डिस्काउंट मिल जाता है, और 3 महीने या 6 महीने या साल भर की मेंबरशिप लेते हैं तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। बट मैं बेस्ट यही कहूँगा कि आप हमेशा 3 महीने से ऊपर की मेंबरशिप ना लें, क्योंकि
उसके से ज़्यादा अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ज़्यादातर टाइम होता है 2-3 महीने लॉस ही होता है। तो कोशिश करिए आप 3 महीने की मेंबरशिप लीजिए, तो आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि 3 महीना मुझे कंटिन्यू जिम भी करना है और थोड़ा सा आपको कंसेशन भी मिल जाएगा पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रिस्क ऑफ इंजरीज। येस, अगर आपको जिम का जी भी नहीं पता है तो आपको रिस्क होने इंजरीज होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम जाना ही छोड़ दें, आप अच्छे कोच के अंदर ट्रेनर के अंदर गाइडेंस लें, जो आपके मूवमेंट्स आप जब परफॉर्म करते हैं तो देखें, आपकी गलतियाँ आपको बताएं और उसको प्रॉपर तरीके से आप सेफ एनवायरनमेंट में करें सपोर्ट अपोर्ट के साथ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इंजरीज वहीं होती है जब आपको मूवमेंट नहीं पता है, आप किसी को देख के बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं या ईगो लिफ्टिंग सबसे वर्स्ट चीज़ है, आप कभी मत करें। कौन कितना उठा रहा है उठाने दो, वो उसकी उतनी प्रैक्टिस है। आप उतना अगर अभी आप स्टार्ट बिगिनिंग कर रहे हो तो आपको ये नहीं दिखाना है मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, आप अपने लेवल पे जितना कर सकते हो आप उतने पे स्टार्ट करो। यस, धीरे धीरे आप भी उस लेवल पे पहुँच जाओगे और हैवी कर पाओगे, गारंटी है। नेक्स्ट जो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। यस, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम इज़ मनी। आप अगर स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो टाइम तो आपके लिए प्रेशियस है ही है, बट वही बात है कि आप 24 घंटे में 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और वर्कआउट करिए, चाहे आप जिम में करिए, चाहे पार्क में करिए, चाहे कहीं भी करिए, बट ये है कि आप करिए, करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है और आगे चल के 30s-40s में बीमारियां पकड़ लेती। तो आप अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आगे के लिए आप अपने बॉडी बेटर बनाएंगे, और प्लस फिटनेस किसे पसंद नहीं है, आप फिट रहेंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको खुद अभी से जितना आप यंग स्टार्ट करते हैं उतना ही जल्दी आप हर चीज़ सीख जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप अगर जिम करते हैं तो आपका पूरा एक रूटीन सेटल हो जाता है कि भाई आपको 1 घंटा जिम करना है, बीच बीच में 3 प्रॉपर मील्स लेनी है, 6-8 घंटे नींद लेनी है, और बाकी आप स्कूल कॉलेज ऑफिस जो जहाँ भी जाते हैं, तो वो एक शेड्यूल बन जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका एक लाइफ में डिसिप्लिन भी लाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, आप 1 घंटा नहीं आधा घंटा करिए, जिम में नहीं पार्क में करिए, बट जिम ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जनरल फियर्स थे जो मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में भी कोई फियर है तो आप नीचे कमेंट डाउन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करिए। टिल देन, बाय।